हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर हफ्ते वीकली अपडेट के साथ साथ एक नाइटली अपडेट भी आता है बीटा टेस्टर के लिए। तो वो अपडेट मुझे कल मिल चुका है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इस अपडेट में क्या कुछ बग फिक्स किया गया है, क्या कुछ चीज़ें ऐड किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद देखेंगे जो MIUI का वर्शन है वो 7.12.5 है, मतलब कल का डेट है। तो कल मुझे ये अपडेट मिला था, इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल जैसा था पुराना वाला सेम ही है, एंड्रॉइड वर्शन भी 7.0 है और कुछ चेंजेस आपको अबाउट फोन में नहीं मिलेगा, बस आपको MIUI वर्शन को चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप जाएंगे सिस्टम अपडेट में, तो सिस्टम अपडेट में आप देख सकते हैं जो रोम का वर्शन आप देख सकते हैं वहाँ पे 7.12.5 90 90 रोम, क्योंकि मुझे मैं एक बीटा टेस्टर और बीटा टेस्टर को ट्यूजडे को भी एक अपडेट मिलता है, तो ये जो रोम है ये ट्यूजडे को मिला है। तो अगर आपको जानना है कि आपको कैसे बीटा टेस्टर बनना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे मैं बीटा टेस्टर कैसे बनना है उसका लिंक दे दूंगा। हफ्ते में आपको दो बार अपडेट मिलेगा। तो आज मुझे जो जो चेंजेस इसमें मिलेगा इस रोम में, वो चेंजेस आपको एक साथ फ्राइडे को मिलेगा और भी कुछ चेंजेस के साथ। तो पहले चलते हैं व्हाट्स न्यू में। व्हाट्स न्यू में जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या कुछ चेंजेस है। तो व्हाट्स न्यू में कुछ खास आपको नहीं दिखेगा, बस एक ही चीज़ दिखेगा, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फिक्स बग्स। ये MIUI 9 एक नया रोम है, इसलिए हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ बग्स और ऑप्टिमाइजेशन इसमें मिलेगा जो कि नया अपडेट के साथ आपको आता है। इसमें और भी चेंजेस है, और भी दो चेंजेस मुझे देखने को मिला है। पहला चेंजेस जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है नोटिफिकेशन सेट्स में। पिछले अपडेट में MIUI 9 इंट्रोड्यूस किया एक नया स्टेटस बार को, जिसे न्यू नोटिफिकेशन सेट्स भी कहते हैं। तो वो जो रोम था वो 7.11.1 था, तो उस रोम में बहुत सारे बग्स थे, इसलिए उस रोम को कर दिया गया था सस्पेंड। तो इस अपडेट में आपको अगर जो ग्रुप वाला प्रॉब्लम था, ग्रुप में नोटिफिकेशन आया तो आप रिप्लाई नहीं दे सकते, वो भी ये प्रॉब्लम अभी भी है। अगर आप ग्रुप में एक से ज़्यादा मैसेज आते हैं तो जो रिप्लाई का ऑप्शन ऑटोमेटिकली घट जाता है, तो ये एक सीरियसली बग्स है। तो ये चेंजेस मुझे मिला है। तो पिछले अपडेट में कभी कभी काम करता था, इस अपडेट में तो मुझे अभी काम नहीं कर रहा था। अगर ग्रुप के अलावा कोई भी आपको मैसेज करते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रुप में रिप्लाई नहीं दे सकते, पहले आपको सिंगल मैसेज को रिप्लाई देना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रुप में रिप्लाई दे सकते हैं। तो उसके बाद मुझे बहुत बड़ा चेंजेस जो दिखा, वो चेंजेस दिखा मुझे ब्राउज़र में। अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हो तो अगर देख सकते हैं जो इसका ब्राउज़र का एक नया ही यूज़र इंटरफेस आया है, पहले मैं कर लूँ जूम आउट। तो आप देख सकते हैं जो ब्राउज़र है इसका जो पूरा इंटरफेस कर दिया गया है फुल्ली फ्लैट स्टाइल। अगर आप पिछले वाले ब्राउज़र से इसका कंपैरिजन करोगे तो मुझे ये वाला ब्राउज़र तो देखने को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले आप देख सकते हैं जो नीचे वाला जो एनिमेशन है, ऑटोमेटिकली आप स्वाइप अप करेंगे तो ये दोनों साइड हट जाएगा। मैंने यहाँ पे YouTube खुला है, इसके साथ साथ जो टैब का डिज़ाइन है उसे भी कर दिया गया है चेंज। अगर आप देख सकते हैं मैं इसमें नया टैब खोलता हूँ, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद डिलीट कर सकते हैं, प्लस में जाने के बाद नया टैब खोल सकते हैं। उसके बाद मैंने खोल लिया है पे Flipkart। तो Flipkart खोलने के बाद आप जाएंगे जो टैब जब स्विच करेंगे, तो पिछले अपडेट में एक अपडेट में आया था कि एक साथ आपका बहुत सारे, मतलब जो रिसेंट टास्क जैसा होता है स्टॉक एंड्रॉइड में, उसकी तरफ आप स्वाइप अप कर सकते हो, इस अपडेट में उसे कर दिया गया है रिमूव। तो अगर आप इस ब्राउज़र के मेन्यू में जाते हैं तो पहले आपको जो नीचे वाला आइकॉन दिख रहा था उसे स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाता था, आपको इसमें अब जो आइकॉन जो स्क्रॉल का ऑप्शन था उसे घटा दिया गया है। अगर आप जाएंगे सेटिंग में तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिमोट का ऑप्शन मिल जाता है, प्रॉम्प्ट करने चाहे तो प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, एग्जिट के आगे पूछेगा आपको एग्जिट करना है कि नहीं। जो स्क्रॉल फॉर वॉल्यूम, मतलब आप वॉल्यूम बटन यूज़ करके इस जो ब्राउज़र को स्क्रॉल कर सकते हैं। और कुछ नया मुझे नहीं मिला इसको दिखाने के लिए, तो यही बस चेंजेस है। ब्राउज़र को वर्शन कर दिया गया है अपडेट और इसके स्मूथनेस को किया गया है थोड़ा इम्प्रूव। अगर आपको जानना है कि आपको बीटा टेस्टर कैसे बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाए वहाँ पे। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स का लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दे देना और कमेंट करना कि आपको जो नया ब्राउज़र के यूज़र इंटरफेस है उसे कैसा लगा। अगर आपको कुछ जानना है या पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।